बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डार्क सर्कल की रेमेडी। आज मैं आपको 3 टिप्स डार्क सर्कल की बताऊंगी। इस रेमेडी के लिए जो मेरी पहली रेमेडी है उसमें मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल और इवियन कैप्सूल, विटामिन ई कैप्सूल। इसके लिए 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल और 1 कैप्सूल। अब मैं जेल में कैप्सूल मैंने पहले से काट लिया और ये इसका ऑयल इसमें ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स करके आपको लगा के बताऊंगी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ये क्रीम की शक्ल का हो जाएगा। फिर इसे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद 10 मिनट तक रहने देंगे और फिर फेस वॉश कर लेंगे। ये देखें, मेरी ट्रांसपेरेंट सी क्रीम तैयार हो गई है। अब इसे फिंगर से यूँ मसाज कर लेंगे अच्छी तरह से। 5 मिनट तक मसाज करना है और 10 मिनट तक लगे रहने देना है और फिर इसे वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह ताला 15 दिन में बहुत अच्छा आपको असर खुद ब खुद महसूस होगा, डार्क सर्कल ख़त्म हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे। ये मेरी आजमाई हुई टिप है, मैंने खुद अप्लाई किया था और इसे आजमा कर फिर आपको बता रही हूँ। मेरी दूसरी टिप ये है, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून टमाटर जूस, इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और अप्लाई करेंगे और खुश्क होने के बाद धो लेंगे। ये देखें, मैंने मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से इनकी हो जाएगी शक्ल, हो जाएगी इस तरह की, और इसे कॉटन से अप्लाई करेंगे। कॉटन इस तरह से डिप करेंगे और ऐसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके थोड़ा सा वेट करेंगे, जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसे वॉश कर देंगे। लेमन और टमाटो जूस वाली रेमेडी रिंकल्स के लिए भी बहुत अच्छी है, आप ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मेरी तीसरी रेमेडी है शहद और दूध की बलाई ताज़ी। अब ये बलाई जो है ना, मैं शहद में डाल दूंगी और इसे मिक्स करके क्रीम सी बना लूंगी। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स करना है इसे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी क्रीम बन रही है, ये देखें कितनी अच्छी थिक क्रीम हो गई है, ये देखें कितनी अच्छी गाढ़ी सी क्रीम तैयार हो गई है। इसे अब डार्क सर्कल पर लगाएंगे और खुश्क होने के बाद 15 मिनट बाद धो लेंगे। ये देखें, ये क्रीम इस तरह से अप्लाई कर लेंगे यूँ, इसकी अप्लाई करके, तो फिर 15 से 20 मिनट बाद इसे वॉश कर लेंगे। ये मेरी तीनों रेमेडी मैंने खुद यूज़ की, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आजमाइएगा और मुझे बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है ये, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।